खा दे। वो इस साइड से बुझेगा मानो, उस साइड से M23 से आग लगी और 24 और इधर 22 तरफ बढ़ने लगी। ऊपर छत जो है ना, वहाँ पे आम का पेड़ था, वो आंगन से आग निकली थी और वो बढ़ते हुए पेड़ों में लग गई और छत का जो डामर का जो सीट लगा हुआ है ना, वो भी पूरी जल करके पूरी ये हो गई। और यहाँ पर ACCL फायर ब्रिगेड में तो कोई है ही नहीं, कोई ना गाड़ी यहाँ है, ना लोग हैं। कुछ एग्जीक्यूटिव आए थे देख करके, लेकिन कोई वर्कर वगैरह भी नहीं थे। वो तो फ़ोन हुआ है इमरजेंसी वाले कोरबा में, तो वहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है और हम लोगों ने भी खुद आग को बुझाया, आदमी लोग। ऐसा सुनने में आया कि विगत 15 दिन पहले जो आग, जो पेड़ पौधे टूट के गिरे तूफान में, उन पेड़ों को अभी तक प्रबंधन ने नहीं हटवाया, जिस वजह से आग लगी है सर। हाँ, वो तो डेफिनेट, वही तो सही चीज़ है, क्योंकि पेड़ जो है उसके पत्ते सूख रहे हैं, डंगाली सूख रही है, और वो अगर हट जाता है तो ये आग नहीं लगती। वो हटने में तो लापरवाही बढ़ती जा रही है, वो तो हटना चाहिए, सभी घरों के हटने चाहिए। जहाँ जहाँ पे ज़्यादा हानि हुई थी गाड़ी वगैरह की और ये सब का, मकानों कान का, वहाँ का तो हटाए हैं, लेकिन नॉर्मली सभी जगह का हटाए नहीं है, तो पत्ते सूख रहे हैं और उसमें आग लगने से आगे भी हो सकती है ऐसी दुर्घटनाएं। कुछ जान माल का नुकसान अगर नहीं, यहाँ तो भी ऐसा कोई जान माल का नहीं हुआ, तो दिन की बात है तो दिन में पता चल गया, नहीं तो बहुत दिक्कत वाली बात तो हो सकती थी। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तुरंत कटवा दी गई, वो ठीक हो गई।